इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अरे ये ट्रैक्टर किसका है भाई? किरण जी, हम आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। टी लव यू। तू नहीं सुधरेगा। मार से। क्या हुआ भैया, क्यों मार रहे हो? अरे मेरी बेटी का जीना आराम कर दिया इसने। मारो इसको। हम क्या दुनिया की कोई भी लड़की तेरे जैसे घटिया और नीच इंसान से कभी प्यार कर ही नहीं सकती। ए, 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 नीचे कर उसको, नीचे कर, बच्चा की मैं बोल रहा हूँ। अगर तू मेरी नहीं हो सकती, तो किसी की नहीं हो सकती। तू है मेरी कीड़ा। एक्सक्यूज मी। क्या है बे, क्या चाहिए तुमको? हमको चाहिए कुछ नहीं, हम तो आपको देना चाहते हैं फूल। आपके हंसी से हमको लगता है हमारा ये फूल कबूल है ना? हाँ हाँ कबूल है, आगे बढ़िए ना और इसमें लगा दीजिए। सच्ची लगा दे? हाँ हाँ लगा दीजिए। अरे काहे मार रही हो हमको? काहे मार रहे हैं? अरे तुम जैसे मंचलों को ना बहुत अच्छे से जानते हैं, रोड पे चलती हुई लड़की को छेड़ रहे हो बे। कहाँ हुआ बहन जी, कहाँ चिल्ला रही हो? भैया जी ये हमको छेड़ रहा है, बीच बाजार में लड़की को छेड़ रहा है जी। अरे भैया नहीं छेड़ रहे, अरे आपके मान पे छोड़ो, हम नहीं छेड़ रहे थे भैया। देख मिनट, ए भैया बे, हटे हटे हटे, अरे ये क्या कर रहे, क्या कर रहे, काय काय मार रहे हो? अरे भैया लड़की छेड़ रहा था। लड़की? ए हट हट हट, लड़की नहीं भैया, लड़की बात ये है। अरे हमको माफ कर दीजिए आंटी जी। हाय राम आंटी। अरे भैया जी अभी हमको ये गुलाब का फूल दे रहा था और तुम हमको आंटी बोल रहे हो? अरे भैया जी माफ कर दीजिए, चलिए पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं। भैया जी रहने दीजिए, वैसे ही बहुत मार खा गया, कहाँ पुलिस का चक्कर उकर लगाएंगे। अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, पुलिस स्टेशन तो हम इसको लेके जाएंगे। चल साले चल चल, पागल वागल का हमको क्या मार रहे हो? अबे तुम हमको बचाने के लिए आए थे कि हमको पिटवाने आए थे? बहुत मार मारे हो तुम। अबे साले नहीं बचाते ना, टकला फोड़ देते हैं। पर एक बात बताओ, उनसे पिटने से अच्छा ना कि अपने दोस्त से पिट लो। और वैसे भी ना बेटा, तुम 500 रुपए का शर्त हार चुके हो समझे, गुलाब का फूल नहीं लेते तुमसे, तो चुपचाप 500 रुपए निकालो हाथ में, दो जल्दी रखो। दे रहे 500 रुपए, हम हार चुके हैं शर्त जानते हैं, अब हम तुमको अगली शर्त देंगे और तुम शर्त पूरी करो। ठीक है हम पूरी कर लेंगे, पहले पैसा निकालो। ठीक है, नहीं ली थी तुमसे वो। हाँ बताओ शर्त क्या है? बता रहे हैं, चलो हमारे साथ चलो। बोल। वो जो लड़की देख रहे हो ना पर्पल सूट में, अबे भाई अबे ही तो गजब के खूबसूरत है बे। हाँ इसीलिए जाओ और उसका नंबर लेकर आओ, यही शर्त है, जाओ। अबे डीनू, अगर तुम शर्त नहीं भी लगाते ना बेटा, हम नंबर उसका तो वैसे भी लेके आते। जाओ फिर लेकर आओ। लगी 500 की देख। हेलो हेलो जी। जी बोलिए। वो आपसे एक हेल्प चाहिए थी। कैसी हेल्प? नंबर चाहिए थी जी आपसे। क्या बकवास कर रहे हो, दिमाग सही है तुम्हारा? हाँ हाँ दिमाग बिल्कुल सही है जी, इसलिए तो सारी लड़कियों को छोड़कर आपके पास आए हैं। वैसे आपको बताएं, हमारी चॉइस ना बड़ी अच्छी है। ओ हीरो, ये फिल्मों वाले डायलॉग बाजी ना कहीं और जाके करना, वरना अगर हमसे बदतमीजी की है ना तो सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे। यहाँ से जाओ वरना लोगों को बुला देंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जाइए, हम इधर जाते हैं। ये
जुगनू भैया, क्या हुआ? मिला का नंबर? अरे नहीं मिलेगा, हम जानते हैं। अरे किरण नाम है उसका, उपताओं की लड़की है। अरे अभी 3-4 दिन पहले शिफ्ट हुए इधर। वो अपना गैराज है ना, उसके पीछे वाली कॉलोनी में। एक काम करो, सर हार गए हो, 500 रुपए तेजी में ढीले करो। निकालो जुगनू भैया, 500 निकालो। ये ले बेटा डीनू, ये जो अभी लड़की गई ना, ये अभी कुछ देर में ना हमसे हेल्प मांगने आएगी। अच्छा, हेल्प मांगेगी? 110%। अरे अरे कहाँ जा रहे हो बे? क्या कर के आए हो बे? क्या किए हो? अबे तुम थोड़ा ना ठंड रखो, हमारी शर्त लगी है ना। हाँ वो देखना आएगी, तुम बस फॉलो करो उसको। मैडम जी, क्या हुआ? हेल्प कर दें आपकी? हमको कोई हेल्प नहीं चाहिए तुम्हारी। अच्छा तो एक काम करते हैं, मस्त वाली ना सेल्फी लेते हैं। आइए, ये देखिए देखिए देखिए। अरे अजीब आदमी हो तुम, ये क्या बदतमीजी है? अब मैडम जी आपको हेल्प चाहिए नहीं हमसे, तो सोचा थोड़ा सेल्फी ले लेते हैं। इतना अच्छा मौसम है, देखिए ना पास में नदी भी है। अरे बड़ा गजब की सेल्फी। निकलो यहाँ से, अभी के अभी निकलो। मैडम जी आपको नहीं लगता थोड़ा जिद्दी टाइप की है? हम तो बस हेल्प करना चाहते हैं और हम हेल्प करने जा रहे हैं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मैडम जी आज के जमाने में ना कोई किसी का हेल्प नहीं करता, लेकिन हम आपके लिए कर रहे हैं, ये काफी नहीं है? ये लीजिए, चलिए गाड़ी स्टार्ट कीजिए। अरे हम ऐसे मत देखिए, प्यार हो जाएगा, गाड़ी स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। अरे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस ना हमको अपना नंबर दे दीजिए, जान पे खेल जाएंगे आपके लिए। अच्छा तो एक काम करो, जान पर खेल ही जाओ, फिर देखते हैं। कुछ भी कहो, बात तो है इसी। अबे जुगनू भैया, हो तो तुम बेटा चतुर लोमड़ी, लोमड़ी नहीं लकड़ भाग्य हो, हमको फिर हरा दिए तुम। अबे वो सब छोड़ो, पहले पैसा निकालो, समझे? दे रहे मार क्यों रहे हैं? पकड़ो। चलो। किरण के पापा, आपकी लड़की वालों से बात हुई कि नहीं? अरे तुम बेकार ही परेशान हो रही हो, हमारी सारी बात हो गई उनसे, तुम टेंशन मत लो, खाना खिलाओ। अरे टेंशन काहे ना ली, हम तो चाहते हैं हमारी बिटिया की शादी जल्द से जल्द हो जाए। लड़की का फोटो देख के हाँ बोल दिए ना, अब लड़का भी कोई ऐसा हीरो जैसा नहीं है जो हमको पसंद ना करे। ज़्यादा टेंशन मत लो आप, चलिए हम चलते हैं, आप लोग खाना खाइए। आपके लिए आए हैं। अपने तो कहा था कि जान पर खेल के दिखाओ, खेल गए हैं। ये देखिए अपना फोन यहीं छोड़ गई है, हम देकर आते हैं। अच्छा ठीक है, हम आपको तकलीफ नहीं देंगे, हम आपको छोड़ रहे हैं, आप चिल्लाइएगा मत, ठीक है? ठीक है।
क्या कर रहे हैं आप? ये भगवान, वो इतना पागल कैसे हो सकता है? देखो मैं तुम्हें बहुत प्यार से बोल रही हूँ, यहाँ से निकल जाओ वरना हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी और तुम्हें तो कोई नहीं छोड़ेगा। जानते हैं कि दिक्कत हो जाएगी लेकिन हम फिर भी आए ना आपके लिए, प्यार करते हैं आपसे। देखिए हम आपके लिए ना अपनी जान की बाजी लगा के आए हैं, अगर आपको लगता है कि इससे भी ज्यादा जान की बाजी लगाने की हमें जरूरत है तो हम लगा सकते हैं, हम चले जा रहे हैं। अरे अरे अरे, हम कहाँ जा रहे हो तुम? देखो किरण, किरण तुम मम्मी तुम निकलो से, तुम तो हम कहाँ जाएंगे आप समझ क्यों नहीं? बोलो धीरे बोलो, एक काम करो ठीक है। किरण बेटा दरवाजा खोल, क्या कर रही है, इतना टाइम क्यों लगा रही है? किरण कौन है अंदर? क्या हो गया मम्मी? क्या हो गया मतलब किससे बात कर रही थी? बाती मम्मी, हम तो अपने आप से बड़बड़ा रही थी। किरण तेरा फोन देने आए। ठीक है अब मम्मी, अब हम चेंज कर लेते हैं। हाँ हाँ कर ले, मेरे कमरे में बैठने नहीं आए। बाय, गुड नाइट। ठीक है देखो, मैंने तो तुम्हें मजाक में कहा था लेकिन अगर तुम मम्मी सच में देख लेती तो क्या होता? अरे हम सब सह लेंगे, कहा ना कि आपके लिए हम सिर्फ आए यहाँ पर। अच्छा आप अपना नंबर दीजिए हमको। हाँ? नंबर मांग रहे हैं आपसे। क्यों? अरे मेरा फोन बस दो मिनट दीजिए ना, बस हमको दो मिनट दीजिए। ओके थैंक यू। अच्छा सुनिए, बस एक रिक्वेस्ट और थी आपसे। निकलो ऐसे। सुन लीजिए, आप बस कल 5 मिनट के लिए हमसे मिल सकती हैं? वो अपना नदी है ना, वो नदी के किनारे जो गार्डन है, बस वहीं पर, बस बस 5 मिनट की डेट। नहीं हम कहीं नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, हमें परेशान करना बंद कर दो वरना मैं। तो ठीक है हम यहीं पे बैठे रहेंगे, जब तक आप हाँ नहीं कहेंगे हम यहीं रहेंगे बस। अरे अच्छा हम आ जाएंगे। ठीक है देखो तुम्हें अपना तो ख्याल है नहीं लेकिन तुम कम से कम मेरे बारे में तो सोच सकते हो ना। अच्छा किधर से जाएं, वो खिड़की से या दरवाजे से? जहाँ से आए थे ना वहीं से जाओ। ठीक है गुड नाइट। हाय किरण, आई लव यू, आपसे हम बहुत प्यार करते हैं। नहीं बे ये फीलिंग नहीं आ रही है, बे फीलिंग नहीं आ रही है। अंकल जी टाइम कितना हो रहा है? 5 बजे। अंकल जी 5 कैसे बज सकते हैं, एक बार अच्छे से देखो ना। बोला ना 5 बजे हैं, 5। ये जुगनू भैया बहुत ज्यादा पी लिए हैं, बस करो चलो घर चलते हैं। अबे कैसे बस करे बे, हैं हमको बोली थी जान पे खेल के दिखाओ, हम खेले नंबर लिए उसका और तो और हमको समय दी थी कि हम तुमसे मिलेंगे। अरे का जुगनू भैया, अरे बोलने से का होता है, अरे बोल दी होगी ऐसे ही और तुम उसकी बात को काहे इतनी सीरियस लेके बैठे हो हैं? अबे सीरियस नहीं है, वैसे तो प्यार और मोहब्बत में ना कुछ बोला नहीं जाता। ए जुगनू भैया वो तुमको आई लव यू बोली क्या? अबे तो बोलती ना, जब हम उसे मिलते मुलाकात होती थोड़ी बातचीत होती तो वो भी हमको आई लव यू बोल देती। लेकिन एक बात बताए डिनू, वो हमसे मिलने नहीं आएगी ना तो हम जाएंगे उससे मिलने, देख लेना। नहीं नहीं रेड नहीं, अभी तो सिर्फ देखने आ रहे हैं, अब इसी की दुल्हन बन के बैठ जाऊंगी।
ए देखिए आप नहीं आई ना तो हम चले आए, साथ में छोटा डीजल लेकर आया है। ए आइए आप भी और हमारे साथ। अरे साले साहब किरण कहाँ जा रही हो? किरण तेरा दिमाग खराब हो गया है? मेरी मेरी बहन को छेड़ेगा आप? तमाशा करेगा तू? मारो पापा उसे और मारो अनुज, मार उसको। अरे अंकल जी हट जा इनमें से। अरे अंकल जी माफ कर दो। अरे अंकल जी माफ कर दो भैया। अरे भैया अंकल जी माफ कर दो इसको। पापा देख क्या रहे हो, पुलिस को बुलाओ ना। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे पुलिस का ही बुला रहे हो? अरे चुप हो अंकल, पुलिस का मत बुला। भी पुलिस को बुलाओगे तो आप लोगों की बदनामी होगी ना, लोग मोहल्ले वाले बोलेंगे कि लड़की खराब थी। हाँ हम समझा रहे हैं ना, खाली एक मिनट आपको दे दीजिए, हम इसको लेके जा रहे हैं। लेके चला जाए इसको यहाँ से, और तुम दोनों में से कोई भी दिखाई दिया ना निकल यहाँ से। अरे चल बे जुगनू भाऊ, चलो चल। अरे जुगनू की अम्मा कहाँ हो? देखो तुम्हारा सब्जी उब्जी ले आए, ले लो इसको। काका लेके आए हैं पनीर और गुलाब जामुन लाए हैं ना। अरे साग सब्जी लाए हैं कि पनीर और गुलाब जामुन? जब देखो तब सब्जी सब्जी। अरे जुगनू को पनीर पसंद है, पनीर काहे नहीं ले आते हैं? तुम ना उसका ज्यादा बकालत मत किया करो, उसको पनीर खिलाओगी गुलाब जामुन खिलाओगी उसको? एक पैसा नहीं दिया इस महीने घर खर्च के लिए वो। अरे हाँ तो दे देगा ना, हर महीने तो देता ही आया है। आपको ना खाली हमारे बेटवा में बुराई दिखता है, बाकी पूरे दुनिया आपको अच्छा ही दिखता है। नमस्ते चाची। अरे खुश रहो बेटवा। अरे प्रणाम चाचा। अरे खुश रहो बेटवा, कैसे हो? बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हो? अब बढ़िया है। जुगनू कहाँ है? अपने कमरे में है, जा मिल लो। ठीक। ए जुगनू भैया। क्या बे कहाँ जा कर रहे हो फोन में? अरे क्या जुगनू भैया है, शर्त पर शर्त हार रहे हो तुम, और शर्त के चक्कर में ना आशिकी का भूत भी चढ़ा लिया अपने माथे पर। हमारे साथ एक बार आशिकी वाली शर्त लगाओ ना फिर से एक बार। चुप करो बे, तुमको पता है किरण जी नाराज हैं हमसे। अब कांडी ऐसा कुछ किए हैं, दारू पी के उसके घर पे जाके नचनी जैसे जाके नाच रहे हैं। तो बता कोई अच्छे परिवार वाले दामाद हमको बनाएंगे? नहीं ना। वो लड़की के चक्कर में काहे तुम पढ़ रहे हो? अरे वो पढ़ी लिखी है और तुम एकदम गवार। अरे भैया तुम गैरेज में काम करते हो, मैकेनिक हो। अरे अपनी सूरत तो देखो जरा, ध्यान से देखना मुंह धुल के। अच्छा क्या कमी है सूरत में हमारी, जरा देखो तो। अबे जो तुम बात कर रहे हो इससे फर्क खत्म हो चुका है, कोई नहीं मानता ये सब। और प्यार में ना बेटा कोई अमीरो गरीबी नहीं देखता, दिमाग में डाल लो ये बात। अरे अरे भैया, अरे एक बात और बताएं, वो जो अनुज है ना किरण का भाई, अरे जिसको तुम साला साला कह रहे थे, वो मिला था हमको। अरे जानकार है हमरा, कह रहा था बहुत अच्छी किस्मत है तुम्हारी, बच गए। अगर उस दिन उन्होंने पुलिस बुला ली होती ना, बहुत कूटे जाते, पता काहे बच गए? किरण को लड़का देखने वाले आने वाले हैं, इसीलिए बच गए तुम बेटा, वरना बहुत सुताई होती तुम्हारी। लेकिन हम थे ना, बचा लाए तुमको। क्या कर रहे हो बे फोन में? अरे हमारे फोन में क्या कर रहे हो? अबे प्यार कर रहे हैं तुमसे, मुझे मैसेज कर रहे हैं तुमको आई लव यू, और तुम हमको रिप्लाई दोगे आई लव यू टू, वो भी अपने स्पीकर दिल के साथ, समझे कि नहीं? ए भैया, अरे हम तो तुम्हारे सामने बैठे हैं, हमको यहाँ बोलो ना आई लव यू, ये फोन में क्या आई लव यू कर रहे हो? डीपी पे लगेगी फोटो किरण जी की, और तुम्हारा नंबर हम सेव करें किरण जी के नाम से, तो मैसेज किसके नाम से आया? किरण जी के नाम से, समझे? और दिमाग लगा। ये भैया हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं भैया, ये सब ना करो भैया, उस दिन वो लोग तुमको कितना कूटे थे। छोड़ो यार तुम। चुप करो बे, अबे तुम ना हमेशा हमारी बेइज्जती करते हो, साला दोस्तों के दुश्मन बे। अरे जुगनू भैया, अरे हमारी बात तो सुनिए बे।
अरे मरना है क्या? ये क्या कर रहे हो भाई साहब आप? कौन हो भाई? गाड़ी के अंदर कैसे आ गए? अपने पैर से उतरो, नीचे उतरो। दूल्हे राजा थोड़ा आराम से, ज्यादा घाई नहीं कर रहे हो? अबे जो तुम दरवाजा खटखटा रहे हो ना, वो दरअसल दरवाजा गलत है। किरण जी ना हमारी है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अजी क्या कह रहे? अरे माता जी नमस्ते, हम वही कह रहे जो आप सुन रहे हैं। किरण जी के साथ ना हमारा आशिकी चल रहा है। हाँ अब आप ही बताइए, आप हमारी प्रेमिका को अपने घर की बहू बनाएंगे, ये शोभा देगा क्या? समाज थू थू करेगा आप पर। नहीं भरोसा है आपको? दिखाते हैं, ये देखिए बहुत मैसेज है उनका, ये देखिए, ये देखिए आई लव यू भेजी है उधर से, और हम आई लव यू टू लिखे हैं। फोटो दिखाएं, फोटो भी आप भी देखिए दूल्हे राजा, आप भी। अब देखिए बाकी आपको जो करना है आप कीजिए। नमस्ते। संजय भाई साहब आपको कोई गलतफहमी हो गई है। भाई साहब हम खानदानी लोग हैं, हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। आप हमारी बात तो सुनिए। अरे लेकिन भाई साहब ऐसे कोई सड़क छाप लड़का कुछ भी कह जाएगा और आप मान लेंगे क्या उसकी बात? बात करने अरे दीदी कहां जा रही हो? बेटवा ये दिन दिखाने के लिए तुम किसी लड़की का ब्याह तोड़वाएगा? ये दिन दिखाने के लिए तुमको इतना लार दुलार किए थे? अरे हमारे लार दुलार ने तुमको बिगाड़ के रखा है। क्या कर रही हो तुम? काहे ऐसा गला फाड़ रही हो? चिल्ला चिल्ला कर नस पड़ जाएगा तुम्हारा, हमारे सर का नस पड़ जाएगा ना, वो अच्छा रहेगा। अरे तुम नहीं करम को करम से अच्छा है ना कि हम पहले ही मर जाए, वो अच्छा है हमने लिए। ये देखो मारी हमको और रो तुम रही हो। चुप रहो बिल्कुल तुम। बेटा हम तुमसे माफी मांगते हैं, माफ कर दो इसको, गलती हो गई इससे, इस बार माफ कर दो बेटा। आगे से अगर इसने कभी भी तुम्हें सताने की कोशिश करी ना, तो जो सजा तुम बोलोगी वो हम इसको देंगे। इस बार इस मामले को यही खत्म कर दो बेटा। आखिरी मौका दे रहे हैं हम तुमको। अगर अगली बार ऐसा वैसा कुछ भी हुआ ना, तो सीधा थाने में कंप्लेन कर देंगे और जेल में सड़वा देंगे तुम्हें। और हाँ एक बात और दिमाग में डाल लो, तुम्हारी औकात से ना हम कहीं ज्यादा बाहर हैं, समझे? और बाबूजी आप काय हाथ जोड़ते उसके सामने? घर के होने वाली बहू है वो, पागल हो गए? पागल तुम हो गए, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया, काय उसको परेशान कर रहे हो? इश्क का भूत सवार है तुम्हारे सिर पे, हमारी इज्जत का तमाशा बना दिया हो। अगर दोबारा तुमने उस लड़की को परेशान किया ना, तो हम खुद तुम्हें पुलिस स्टेशन में दे देंगे। सही है, पूरी दुनिया हमारे प्यार के खिलाफ है, अब आप भी। हाँ बेटा हम है खिलाफ, काहे से इसको प्यार मोहब्बत नहीं कहते हैं? ये है तुम्हारा पागलपन, समझा तू? पागलपन दिखाते हैं, हम दिखाते हैं कि पागलपन किसको कहते हैं। इंतजार करो। ये देखिए किसको कहते पागलपन, ये
ये देखिए, ये देखिए, इसको कहते हैं पागलपन। ए बेटा, ये क्या कर रहा है? ये क्या? पगला गया तू? अरे सबको जला देंगे। दूरी, दूरी। हमारे प्यार के बीच में अगर कोई भी आने तो कोई बचेगा नहीं। नहीं आएंगे बेटा। लेकिन तू जिसके लिए पागलपन सब कर रहा है ना, वो तुम्हारी कब नहीं होगी। बेटा क्या कर, बेटा क्या कर रहा है? हम दोनों को जला के मार देगा क्या? जला के मार दूंगा। हमारे प्यार के बीच में कोई भी आए ना उसको जला दूंगा। आपको भी और घर को भी, साथ में खुद को भी जला दूंगा। नहीं आएंगे बीच में, तू ऐसा मत कर बेटा। पहले ये बताइए कि आप दोनों हमारे प्यार के बीच में आएंगे? हाँ, ये ना मरना भी माचिस की तीलिया ऐसे बहुत है। नहीं नहीं आएंगे बेटा। ये हुई ना बात, अभी तो दोनों बच गए, वरना जब रात को सोएंगे ना तो फूंक देंगे दोनों को। इतना पागलपन ठीक नहीं है बेटा। तू जिसके लिए ये सब कर रहा है ना, वो किरण तुमसे कभी ब्याह नहीं करने वाली है। अरे अम्मा मानेगी? हम मनाएंगे किरण जी को और एक दिन इस घर में किरण जी को बहू बना करेंगे। आप लोग बस दूर रहिएगा, हमसे बता दे रहे। नहीं बेटा, अपने जुगनू अब पगला गया है वो लड़की के पीछे। अरे जुगनू भैया, तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें मालूम है ना कस्टमर की गाड़ी है, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो फंस जाएंगे। अबे गाड़ी हम लेके आए ना, तुम टेंशन क्या ले रहे हो? संभाल लेंगे। अरे पर तुम करना क्या चाहते हो? वही जो अब जरूरी हो गया बेटा, जब कोई काम सीधी उंगली से ना हो ना तो उंगली को थोड़ा टेढ़ा कर लेना चाहिए। अबे आ गई। अच्छा अच्छा चल चल चल। जुगनू तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाथ खोलो मेरा। अरे हम खोल देंगे, हम आपको नहीं रखना चाहते यहाँ पर, हम तो आपको ब्याह कर अपने पास रखना चाहते हैं। देखिए इस बात का भरोसा रखिए हम पर, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। तुमने जो किया है ना, इन सबसे कुछ नहीं होने वाला। हम जानते हैं कि हमने जो किया वो गलत किया, हम ये भी जानते हैं कि आप बड़े घर की बेटी हैं, लेकिन हम आपसे प्यार करते हैं, ये काफी नहीं है आपके लिए। अच्छा किरण जी एक बात बताइए, आप फिल्मों में तो देखी होंगी ना कि एक गरीब लड़का एक अमीर लड़की का दिल कैसे जीत लेता है, काहे दिखाते हैं सब? काहे कि आज के जमाने में ना किरण जी, ये धन दौलत अमीरी गरीबी नहीं देखा जाता है, दिल देखा जाता है, प्यार देखा जाता है, जो आपसे हम करते हैं। छोड़ो मुझे। देखिए किरण जी, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि हम एक गैराज में काम करते हैं, मानते हैं हम इस बात को, लेकिन एक दिन हम बड़ा बिजनेसमैन बनेंगे आपके लिए, आपका हर चीज का ख्याल रखेंगे, आपकी हर जरूरतों को पूरी करेंगे हम। बस आप हमारे प्यार को ना स्वीकार कर लीजिए, बस और कुछ नहीं चाहते आपसे हम। ठीक है जुगनू, हम सोचेंगे इस बारे में। तुम अकेले हमारा हाथ खोल दो। नहीं नहीं, अगर हम हाथ खोले तो आप भागेंगे, हम भाग जाएंगे। हमने कहा ना जुगनू, हम नहीं भागेंगे, हम तुम्हारा ये हाथ जोड़ते, हमें दर्द हो रहा है, प्लीज हमारा हाथ खोलो, खोलो। नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, आप रिक्वेस्ट मत कीजिए, आप रिक्वेस्ट मत कीजिए, हम हाथ खोल देंगे, ठीक है? किरण जी जरा सोचिए, हम आपका नुकसान काहे पहुंचाएंगे? इधर देखिए ना, हम तो आपसे प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं ना आपसे। ठीक है ठीक है, हम सोचेंगे इस बारे में जुगनू, अभी के लिए हम घर जाए। ठीक है आप जाइए।
अच्छा किरण जी, आप इतनी रात को कहाँ जाएंगे? आपको प्रॉब्लम क्या है हमसे? काटा लगा है हमें, हाँ काटा लगा है। अरे हजार बार आपसे कह रहे कि आपसे प्यार करते लेकिन आपको ये बात समझ में काहे नहीं आ रही है? अरे हम तुमको पाना चाहते हैं, तुम्हें खोना नहीं चाहते हम, लेकिन तुमको तो भागने का शौक है ना चुगनू। लेकिन हम तुमको भागने नहीं देंगे, शादी तो हम करेंगे और आपसे ही करेंगे। अगर इसके लिए हमें लाशें बिछानी पड़ी ना किरण जी, तो चुकेंगे नहीं हम, समझी ना? समझी ना? ए! ए! अनुज! हाथ दिए, बात कर रहे ना उससे, समझ में नहीं आ रहा है? लड़की को उठा के लेके जाएगा तू? हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसे लेके जाइए, बंद कर दीजिए इसे जेल में, पागल है ये। ए, हम पागल नहीं है इंस्पेक्टर साहब, चिप में डालो इसे। लड़की को उठा के लेके जाएगा, उसके पीछे भागेगा, बस तेरी इतनी हड्डियां टूटेगी कि जिंदगी में कभी किसी लड़की पे बुरी नजर नहीं डालेगा। इंस्पेक्टर साहब माफ कर दीजिए, बच्चा है इंस्पेक्टर साहब, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करेगा। थोड़ी रहम कीजिए साहब, मेरा बेटा आगे से ऐसा नहीं करेगा, मैं समझा दूंगी साहब। अगर अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए होते तो आज यूं पुलिस के सामने हाथ नहीं जोड़ने पड़ते आप दोनों को। इंस्पेक्टर साहब सुनिए ना, अरे इंस्पेक्टर साहब सुनिए ना। हमने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है किरण। क्या सोचा है? तुम 3-4 महीनों के लिए अपने मामा के घर जा रही हो गाजीपुर। हाँ ये सही रहेगा। पापा मामा के घर जाने से क्या होगा, ऐसे भागने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। बेटा वो तुझे उठा के ले गया था, एकदम पागल हो गया वो। मम्मी पुलिस भी तो उठा के लेके गई है ना उसे, भुगतेगा जो उसने किया। और मम्मी ऐसे कुत्ते ना बहुत भुगते रहते, इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम उसे डर जाए। अरे लेकिन मम्मी पापा ठीक कह रहे हैं, ये जो छोटे शहर के लड़के होते हैं ना, ये खुद ही मान लेते हैं कि लड़की उनसे प्यार करती है और फिर कुछ भी कर बैठते हैं ये। प्यार क्या, उसको तो ये लगता है कि मैं उससे नाराज हूँ। बस ये हमारा फाइनल डिसीजन है, तुम गाजीपुर जा रही हो अपने मामा के पास सिर्फ अपनी मम्मी की खुशी के लिए। 3-4 महीने में सब ठीक हो जाएगा। और तुम अकेले नहीं जाओगे अनुज, तुम साथ जाओगे, भैया तुम्हारे साथ जाएगा। ठीक है पापा, आपको जैसा ठीक लगे। जाओ, जाने की तैयारी करो। एक तरफा प्यार, आशिकी, जुनून, इन सब के बारे में हमने काफी फिल्मों में देखा है, किताबों में पढ़ा है, लेकिन ये सब सिर्फ फिल्मों में ही अच्छा लगता है। असल जिंदगी में कभी कभी एक तरफा प्यार का पागलपन अपराध को जन्म देता है। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। जुगनू जो कर रहा था उसका विरोध शुरू में किसी ने किया ही नहीं। जब वो किरण के घर में घुसा था और अगर किरण उसकी शिकायत उस वक्त पुलिस में दर्ज कराती तो जुगनू का पागलपन इस हद तक नहीं बढ़ता। लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी और जुगनू की हिम्मत भी, यहां तक कि उसने किरण का अपहरण कर लिया था। अंततः पुलिस ने जुगनू को गिरफ्तार कर लिया। तो क्या ये कहानी यहीं पे समाप्त होने वाली थी? क्या जुगनू इतनी आसानी से हार मान लेगा, या फिर कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना ना तो जुगनू के माता पिता ने की थी और ना ही किरण और उसके परिवार वालों ने। ए जी, जल्दी चलिए ना, बेटा जेल से छूटने वाला है, लेट जाएंगे तो कहां सोचेगा वो। अरे जेल से छूट रहा है, कौनो मेडल लेकर नहीं आ रहा है वो, जो लेट हो जाएंगे। अरे हमारा कहने का मतलब वो नहीं है, रिक्शा यहाँ नहीं मिलेगा ना, चल के आगे तक जाना पड़ेगा। अम्मा रिक्शा उक्शा ढूंढने को कोनो जरूरत नहीं है, हम खुद ही आ गए। अरे बबुआ आ गए तो वो लोग तुमको खाना वाना नहीं दे रहे थे, कितना दुबला हो गया है तू। ए अम्मा जेल गए थे, कोनो 5-स्टार होटल में नहीं थे हम। बेटा
कोई बाप अपने बेटे के सामने हाथ नहीं जोड़ता। पर हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहे, तुम्हारे पैर पड़। अरे बाबूजी क्या कर रहे हैं? बेटा हम तुमसे भीख मांगते हैं, क्या आ गए हो ना, तो कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे हमारी बची कुछ इज्जत मिट्टी में मिल जाए। हाँ ठीक है, हम कोई गलती नहीं करेंगे और जिनको भी तकलीफ दी है उनसे भी माफी मांग लेंगे, ठीक है? आप बस खुश रहिए। सुनो ना बबुआ, तुम जाके आराम करो, हम तुम्हारे पसंद का पनीर बनाते हैं। ठीक है। अच्छा थक गया होगा हमारा बिटवा। कौन? तुम? आप? अंकल जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल जी हम बस आपसे माफी मांगना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने गलती की है और हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे कौन आया? अरे आप तो डर रही हैं, हम तो बस माफी मांगने आए हैं आपसे। देखिए हम जो किए हैं हम मानते हैं कि हम गलत किए हैं, हम इस बात को लेकर शर्मिंदा भी हैं, लेकिन बस आप हमको माफ कर दीजिए और हम कुछ नहीं चाहते। ठीक है जाओ यहाँ से, जाओ माफ कर दिया। अंदर कहाँ जा रहे हो? अरे हम गलत तो किरण जी के साथ किए हैं ना, बस हम उनसे माफी मांगना चाहते हैं, हम बस उनका पैर पकड़ के माफी मांगना चाहते हैं आंटी जी, बस उनको। किरण घर पे नहीं है। सुन लिया, किरण घर पर नहीं है। किरण घर पे नहीं है तो कहाँ है? अच्छा आप एक काम कीजिए, अनुज को बुलाइए। अनुज 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 घर पे नहीं है, फोन से माफी मांग लेंगे। कहा ना अनुज घर पे नहीं है, हम घर के बड़े हैं, हमने माफ कर दिया ना, समझो सबने माफ कर दिया। निकलो बस बस निकलो यहाँ से। बे डीनू तू रुक, कहाँ जा रहा रुक यार भैया। दीदी अब वो दिनू का फोन आ रहा है। मामा जी आप चलिए, मैं आती हूँ। हेलो। हाँ अनुज भैया, वो क्या है ना कि अभी हमको ना जुगनू दिखा था। जुगनू? तो उसने हमारा बहुत दूर तक पीछा भी किया, तो हम सोचे कि आपको बता दे एक बार। वो कहा ना कभी फिर से किरण दीदी के पीछे ना पड़ जाए, इसलिए सोचा आपको एक बार बता दे बस। अरे तुम टेंशन मत लो, वो कुछ नहीं कर पाएगा। दीदी वैसे भी हमारे पास सेफ है यहाँ गाजीपुर में, और पापा कल वैसे भी हमें लेने आ रहे हैं। मामा जी के घर पर है गाजीपुर में। हाँ जी ठीक है अनुज भैया, अपना ख्याल रखिए। जुगनू भैया जो आप बोले थे हम कर दिए भैया, वो कहा है कि किरण अपने मामा के घर पर है गाजीपुर में और कल सुबह आ भी रहे हैं इधर। उस दिन अनुज को तुम ही फोन किए थे ना, इसीलिए जेल गए हैं। भैया हमको माफ कर दीजिए, बहुत भूल हो गई हमसे भाई। अरे ये ट्रैक्टर किसका है भाई? किरण जी देखिए हम आपको सॉरी बोलने आए हैं, ये फूल भी लाए आपके लिए, हम आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, टिल लव यू। तू नहीं सुधरेगा, तू नहीं सुधरेगा, मैंने सोचा था तू सुधर जाएगा लेकिन तू कुत्ते की तुम है, तेरी की टेढ़ी रहेगा, आज की मैं निकालूंगा आरामखोर। क्या हुआ भैया क्यों मार रहे हो? अरे मेरी बेटी का जीना आराम कर दिया इसने, मारो इसको। रुको, मैंने कहा रुको, हटो।
क्या चाहता है तू? हाँ, क्या सुनना चाहता है? वही जो अभी बोला, आई लव यू। पापा रुकिए। अरे क्या भरा है तेरे दिमाग में? हम तुझसे नफरत करते हैं। आई हेट यू। हम तुझसे प्यार करेंगे? तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया? हम क्या दुनिया की कोई भी लड़की तेरे जैसे घटिया और नीच इंसान से कभी प्यार कर ही नहीं सकती। हम अगर शादी करेंगे ना तो किसी शरीफ लड़के से करेंगे, वो भी डंके की चोट पे करेंगे। कर लेना जो करना है, वरना फिर से जेल में भिजवा देंगे, और इस बार एक महीने के लिए नहीं, पूरी जिंदगी भर के लिए। नीचे कर उसको, उसको नीचे कर, लग जाएगी। नीचे कर, लग जाएगी, मैं बोल रहा हूँ, नीचे कर। हम तुमसे सच्चा प्यार किए थे, तुम हमसे इतनी नफरत क्यों? अगर तुम मेरी नहीं हो सकती, तुम किसी की नहीं हो सकती, तू है मेरी किरण। दीदी, हथियार भी मिल गया है और कई लोगों ने देखा भी है, तो गवाह भी मिल गए हैं। अब तो लंबा जाएगा, उम्र कैद भी हो सकती है और फांसी भी। जिससे प्यार करता था उसी की जान ले बेटा, ये प्यार नहीं पागलपन है। अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचा, क्या होगा उनका, कैसे जिएंगे वो? जब पहली बार जेल गया था उसी समय सुधर गया होता तो आज तेरी जिंदगी कुछ और होती। अब सारी जिंदगी सलाखों के पीछे निकाल। अक्सर ऐसा होता है कि जब अपराध बोध होता है तो काफी देर हो चुकी होती है। जुगनू ने भी देर कर दी थी इस बात को समझने में कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है उसकी मंजिल है ही नहीं। अगर आप किसी को प्रेम करते हैं तो उसके दिल में जगह बनाना बहुत जरूरी है। अगर देखा जाए तो जुगनू किरण से प्रेम करता ही नहीं था। अगर वो उससे प्रेम करता होता तो वो उसकी हत्या कभी नहीं करता। वो तो सिर्फ एक खेल था जो शर्त से शुरू हुआ था, वो सिर्फ एक शर्त जीतना चाहता था, लेकिन अफसोस ये शर्त कोई नहीं जीत सका। किरण अपनी जिंदगी हार गई और जुगनू जेल की सलाखों के पीछे। जुगनू का दोस्त दीनू जो बुरी तरह घायल हो गया था, डॉक्टर्स ने उसकी जान बचा ली। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि प्रेम करिए क्योंकि ये एक बहुत ही पवित्र भावना है, लेकिन निस्वार्थ मन से, क्योंकि प्रेम आपको शांति की ओर लेकर जाता है, अपराध की ओर नहीं। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची सनसनीखेज वारदात के साथ। हिंसा और जुर्म को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है।